हटा पीछा चलो
आस्ते आस्ते सभी अंदर की तरफ चलेंगे और सभी डिसिप्लिन में रहेंगे। तालियां बजाते रहो, तालियां खाली हाथ आए, तालियां गर्म हो जाना क्या जी सर, लेवल ऑर्डर ही चलिए। थैंक यू सर। बहुत ज्यादा
निवेदन रहेगा श्री हरीश शर्मा जी राज्य कोषाध्यक्ष कराटे श्री पवन ठाकुर जी से मेरा निवेदन रहेगा कि माननीय विधायक श्री हिंदी नीरज को शॉल और टोपी पहन कर सम्मानित करें। मेरा निवेदन रहेगा श्री पवन मेरा निवेदन रहेगा टेक्निकल डायरेक्टर श्रीमती संजय ठाकुर जी श्री सामान्य विभाग जी से की वे माननीय विधायक सम्मानित लगाकर सम्मानित कर सम्मानित करें। इलेक्ट्रिकल श्री टिकेश्वर प्रसाद जी हैं श्रीमान आपका श्री अपूर्व जयचंडी को शॉर्ट नोट पर भेज कर सम्मानित करें। मेरा निवेदन रहेगा श्री संदीप शर्मा जी से कि वे उपायुक्त श्री अपूर्व चेतन जी को चंबा थाल भेंट कर सम्मानित करें। कृपया आप सभी की तालियां पनवर जी से कि वे पुलिस अधीक्षक जी को शॉल व टोपी भेंट कर सम्मानित करें। मेरा निवेदन रहेगा चेयरमैन रेफरी कमीशन श्री हेमराज जी व श्री जिला प्रेसिडेंट कराटे एसोसिएशन श्री नवीन जी से पुलिस अधीक्षक श्री अश्विन यादव जी को चंबा थान से सम्मानित एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश श्री मनोज कुमार जी से की वे एसडीएम चंबा श्री अरुण शर्मा जी को बैच लगाकर सम्मानित शौर्य पदक भी भेंट कर सम्मानित करें। मेरा निवेदन रहेगा संदीप जी से बहुत आभार कृपया जो कि वे मिलकर कराटे एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश सामाजिक सदस्य जन कराटे एसोसिएशन चंबा चंबा थाल देकर सम्मानित करें। एसडीएम सदर चंबा जीएम एनएचपीसी चमेरा व हमारे प्रदेश कराटे संघ के जो मेंटर हैं श्री जनकराज जम्बाल जी चेयरमैन प्रवीण जनरल सेक्रेटरी दामन जम्बाल जॉइंट सेक्रेटरी मनोज पटियाल ट्रेजरर हरीश शर्मा
वह हमारे मीडिया से आए हुए सभी हमारे सहयोगी बंधु, माननीय महोदय, मुझे आपके ध्यान में चीजें लाते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि इतिहास में पहली बार चंबा जिला में हम इस खेल की जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है और एक संयोग जो आज मुझे इसमें देखने के लिए मिला है महोदय, वो भी मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि प्रदेश विधानसभा के जो मुखिया हैं, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि वो हमारे जिला चंबा से हैं। उसी तरह हमारा जो खेल संघ है, इसमें भी जो प्रदेश के कुछ पदों पर आसीन है महोदय, वो भी हमारे जिला चंबा से ही है, जिसमें हमारे जो चेयरमैन हैं कराटे संघ हिमाचल प्रदेश के प्रवीण मेहता जी, जो कि डीसी ऑफिस में कार्यरत हैं, जिला डायरेक्टर के पद पर अभी आसीन हैं। पवन ठाकुर जी हमारे जो स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, वो भी जिला चंबा से ही हैं। जिस तरह हमारे जितने भी पदाधिकारी आज, वो चाहे प्रदेश स्तर पर हैं चाहे जिला स्तर पर हैं, मैं महोदय आपके ध्यान में एक बात लाना चाहूँगा। मैं अभी कुछ माह पहले ही मुझे जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी गई है। इससे पहले हमारे गुरु जी रवि ठाकुर जी का बैनर हमने बिल्कुल आपके मंच के सामने लगाया है, जो डलौजी विधानसभा क्षेत्र के तेलका से थे। हम सभी लोग इन्हीं के रवि ठाकुर जी को कराटे की दुनिया में या बाकी जितने भी लोग थे वो रॉक के नाम से भी जानते थे। बहुत ही प्रसिद्धि इन्होंने अपने इस क्षेत्र में पाई थी। पिछले वर्ष एक दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। महोदय, कराटे के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपके साथ साझा करना चाहूँगा। कराटे एक ऐसी कला है जिसमें इंसान को खाली हाथ बिना किसी हथियार के लड़ने के लिए या आत्मरक्षा के लिए तैयार कराया जाता है। इस कला में इंसान के पास कोई हथियार नहीं होगा, लेकिन वो जो इंसान है वो स्वयं एक चलता फिरता हथियार बन जाता है। महोदय, कराटे की जो तकनीक है वो बहुत ही खतरनाक व जानलेवा मानी जाती थी शुरू में, इसीलिए इसे किसी भी खेल में सम्मिलित नहीं किया गया था। उसके बाद विश्व कराटे संगठन के जो हमारे स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने इसमें कुछ नियम तैयार किए। उन नियमों के तहत हमारे खेल मंत्रालय और सरकारों से हमें अनुमति मिली। ऐसे नियम बनाए गए ताकि किसी भी खिलाड़ी को खेलते समय, वर्ष 2020 के ओलंपिक में भी कराटे को शामिल किया गया है। आज के समय में प्रदेश के लगभग हर जिला में हमारा संघ बना हुआ है और प्रदेश के लगभग हर जिला में 200 जो ब्लैक बेल्ट हैं वो वहाँ के युवाओं को जो है इस कराटे की ट्रेनिंग उपलब्ध करवा रहे हैं। इस राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में जो भी खिलाड़ी मेडल हासिल करेंगे महोदय, वो हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व जो है वो राष्ट्रीय प्रतियोगिता में करेंगे। आज यहाँ जो बच्चे आपके सामने बैठे हुए हैं, ये अपनी जिला प्रतियोगिताओं में से छंट कर आए हैं। मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा महोदय उपायुक्त चंबा जी का, जिला प्रशासन का पूरे, क्योंकि महोदय जिस तरह का सहयोग उपायुक्त महोदय ने हमें दिया है, हमें व्यक्तिगत तौर पे हम आपस में चर्चा कर रहे थे तो उपायुक्त महोदय का सहयोग हमें इस तरह से लग रहा था जैसे किसी के घर का अपना कोई कार्यक्रम होता है। उपायुक्त महोदय हमें इस तरह का सहयोग उपलब्ध करवा रहे हैं, इसके लिए मैं उपायुक्त महोदय का धन्यवाद करूँगा और महोदय आपकी सरकार का धन्यवाद करूँगा। महोदय, हमारे जितने भी कराटे के खिलाड़ी हैं या ब्लैक बेल्ट हैं वो प्रोफेशनली ट्रेंड होते हैं, तो प्रशासन ने जिस तरह से हमें सहयोग किया है, मैं इस मंच के माध्यम से जिला अध्यक्ष होने के नाते आपको ये वचन देता हूँ कि जिला में जब भी कोई आपदा आएगी हम आपके लिए फोर्स की तरह खड़े रहेंगे हमेशा। हिमाचल प्रदेश पुलिस के माध्यम से स्कूलों में बच्चों को कुछ दिनों के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध करवाते हैं महोदय, जिसमें सरकार का खर्चा भी रहता है। तो हमारा ये निवेदन रहेगा महोदय कि जो हमारे प्रोफेशनल ट्रेंड ब्लैक बेल्ट हैं उनको ये मौका दिया जाए ताकि वो अच्छी तरह से
पुलिस प्रशासन किया, हम यहाँ पर किसी भी तरह का विरोध नहीं कर रहे महोदय, वो अपना जितना है बैच देते हैं स्कूलों में, लेकिन अगर हमारे ब्लैकबेल्ट ट्रेन ब्लैकबेल्ट हैं वो वहाँ रहेंगे सर, वो ज़्यादा समय तक रह सकते हैं, पुलिस जो है वो परमानेंट वहाँ नहीं भेज सकती है, वो सिर्फ 4 या 5 दिन का प्रशिक्षण उन्हें उपलब्ध करवाते हैं। तो हमारा निवेदन रहेगा कि आप सरकार के स्तर पर इन चीज़ों को सोचें और हमें इसके लिए भी अपना आशीर्वाद प्रदान करें। महोदय कुछ जो हमारे दानी सज्जन हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए हमें हरीशी हेल्प भी की है, मैं उनका यहाँ से आपके समक्ष जो है धन्यवाद करना चाहूँगा। स्वर्णकार संघ चंबा है जिन्होंने हमें आर्थिक सहायता दी है। वैष्णव ग्रुप ऑफ कॉलेज भद्रवा नूरपुर, इन्होंने भी हमें अपनी तरफ से आर्थिक सहयोग किया है। दिनेश सिंह है ज्वाली से, उन्होंने भी हमें आर्थिक सहयोग किया है। महोदय इसी के साथ मैं आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ, तो आपने हमारे लिए अपना बहुमूल्य समय दिया, धन्यवाद। कि वे अपने शीरे बच्चों से हम सभी का मार्गदर्शन करें। श्री बीच में उपस्थित हमारे यहाँ के सामान्य विधायक पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक यादव जी, एस डी चंपा श्री अरुण शर्मा जी, जी एम चमेला सेकंड प्रसाद जी, चेयरमैन कराटे एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश श्री प्रवीण मेहता जी, प्रेसिडेंट श्री पवन ठाकुर जी, जनरल सेक्रेटरी जमवाल जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी मनोज जी, वाइस प्रेसिडेंट टी एस कॉमर जी, कोषाध्यक्ष हरीश, कराटे एसोसिएशन से जुड़े हुए सभी सामान्य पदाधिकारीगण, यहाँ मंच पर असीम सभी महान भाव, और 9 जिलों से तकरीबन 250 के करीब जो कराटे खेल से जुड़े हुए सभी खिलाड़ी दोस्तों साथियों और प्यारे बच्चों, मुझे प्रसन्नता है, खुशी है कि चंबा जिला में स्टेट लेवल की कराटे चैंपियनशिप में आज के इस क्लोजिंग समारोह में मुझे आने का मौका मिला, और मेरे आने पर आप सब ने कराटे एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों ने, सभी खिलाड़ियों ने, हमारे प्रशासन के अधिकारियों ने बड़े प्यार स्नेह और सम्मान के साथ मेरा स्वागत किया। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कुशामा मैं थोड़ा लेट हो गया, कार्यक्रम 11:30-12 बजे का था, हम लेट हो गए। मैं अभी कह रहा था डीसी साहब से कि अगर जिले के कोने से हम अपने हेडक्वार्टर पहुंचना चाहें तो कम से कम 2.5-3 घंटे का सफर लगता है, और इन 2.5-3 घंटों में जिले के बॉर्डर से हम चले तो हम 3 जिले पास कर देते। अगर सिमुंदा से चले तो हमीरपुर क्रॉस कर लेते हैं हम और गुमारवी पहुंच जाते हैं। चंबा के क्षेत्रफल की दृष्टि से और पॉपुलेशन की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला प्रदेश का है। वैसे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से लाहौल स्पीति है, लेकिन उसकी पॉपुलेशन कम है। चंबा जिला की पॉपुलेशन क्षेत्रफल के लिहाज से
ज्यादा है और क्षेत्रफल भी ज्यादा है। अन्य जिलों की पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन क्षेत्रफल कम है। और इस जिले में जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है उसमें कराटे एसोसिएशन के माध्यम से स्टेट लेवल के इस टूर्नामेंट को पहली बार आयोजित करने के लिए सभी कराटे एसोसिएशन के सामान्य पदाधिकारी को बहुत बहुत बधाई और आभार। कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और आवश्यक है और ठीक कहा गया कि कराटे खेलने वाला कराटे ये बाहर के खेल थे, आज ये देश के खेलों में ओलंपिक स्तर के ऊपर इनको मान्यता मिली है। और मुझे खुशी इस बात की है कि बच्चों में और विशेष तौर पर बच्चियों में इस खेल के प्रति अधिक रुचि है। और हमारे कितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं, चाहे प्रशासनिक स्तर पर हो, चाहे पुलिस के हो, आवश्यक तौर पर बहुत सारे स्कूलों के अंदर जहां ट्रेनर्स हैं वहां इसकी शुरुआत हुई है, और जहां नहीं भी है वहां स्थानों में भी इस खेल को नियमित रूप से करवाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, आपके ये प्रयास जो है आगे बढ़े और आपने अपने स्तर पर एसोसिएशन में प्रयास किए। जैसे कहा गया कि बहुत सारे जिला स्तर के जो अधिकारी हैं, हमारा जो उपायुक्त कार्यालय है उससे संबंधित है, और यहाँ स्टेट भर से जो हमारे टीम्स के इंचार्ज हैं आप आए हैं। तो मुझे आज तो ये कराटे देखने का मौका नहीं मिला, वैसे तो क्लोजिंग में एक दो जो है शो होने चाहिए, मुझे अच्छा लगता और मुझे बताया गया कि है। और मैं देख रहा हूँ एक एक खिलाड़ी वहां से लेके और छोटे से लेके यहाँ तक और पीछे तक, हर एक खिलाड़ी के चेहरे पर रंगत है, फ्रेशनेस है, और वो इसीलिए है कि आप कराटे के खिलाड़ी हैं। हम इनसे सबको भूख लग पड़ी होगी लेकिन इनको नहीं। मैं देख रहा हूँ कहीं भी किसी चेहरे पर मुझे कहीं कोई ऐसी शिकन नजर नहीं आती। और खेल कूद वैसे भी जीवन का एक अभिन्न अंग है, चाहे आप व्यायाम बोल दीजिए, एक्सरसाइज बोल दीजिए, योगा बोल दीजिए, सुबह की सैर बोल दीजिए, कराटे बोल दीजिए, या अन्य जो भी खेले हैं। अगर आपको स्वस्थ रहना है एंड इफ यू वॉन्ट टू बी ए हेल्दी माइंड देन ऑब्वियसली यू हैव टू बी ए गुड प्लेयर ऑल्सो, और यू हैव टू परफॉर्म ऑल दोज एक्सरसाइजेज ऑल्सो विच रिक्वायर्स टू कीप योर बॉडी फिट। हमें भी कभी कभी ऐसा महसूस होता है, अभी नीरज जी कह रहे थे कि गाड़ी में बैठ बैठ के मैं थक गया हूँ, पेट बढ़ने लग पड़ा। और मैं भी जब 5 घंटे 6 घंटे सफर करता हूँ तो ये महसूस करता हूँ कि छोटी मोटी एक्सरसाइज कर ली जाए, क्योंकि मैं भी जो है खेलों में तो ज़्यादा हिस्सा नहीं ले पाया, लेकिन मॉर्निंग वॉक और छोटी मोटी एक्सरसाइजेज, जॉगिंग एक्सरसाइजेज मैं करता हूँ। और मैंने ये देखा कि अगर आप एक्सरसाइजेज, चाहे वो योगिक हो, फिजिकल हो, या अन्य एक्सरसाइजेज हो, या खेल के प्रति अडेप्ट हो जाए, आपकी बॉडी अडेप्ट हो जाए, तो फिर अगर आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं करोगे तो 4th दिन आपकी बॉडी डिमांड करेगी और आपको फोर्स करेगी कि आपको ये करना होगा। अभी सुबह मुझे आना भी था, रात के 12 बजे तो मैं सोया हूँ, 12:30 बजे
उठ गया था 5:30, लेकिन बॉडी डिमांड कर रही थी एक्सरसाइज चाहिए, मिलने वाले आगे 6:30, 6:30, फिर भी नहाने के बाद मैंने 20 मिनट लगाए और अपनी बॉडी जो है दोबारा से फिट की और अब मैं फ्रेश हूँ, आपसे बातचीत कर सकता हूँ, मिल सकता हूँ, लोगों को मिल सकता हूँ। अगर आप फ्रेश नहीं होंगे तो अगर आपके पास कोई आएगा भी समस्या लेकर, पहले ही आप इरिटेटेड हैं तो उसकी समस्या का क्या समाधान करोगे, उससे भी उसी ही तरीके से रिएक्ट करोगे। इसलिए ये जो सारे चाहे एक्सरसाइज हो चाहे खेले हैं, आप इससे जुड़े हैं, मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा। या तो 250 है, 250 नहीं, अगले बार 2500 जो है इस प्रकार के खिलाड़ी होने चाहिए और ये जरूरी है, आवश्यक है। जैसे मैंने कहा हेल्दी बॉडी माइंड को जैसे हेल्दी माइंड, और हेल्दी माइंड के लिए जरूरी है पढ़ाई लिखाई जरूरी है। मैं तो समझता हूँ आज के समय में इतनी ज़्यादा जरूरी नहीं है, स्वास्थ्य की ज़्यादा जरूरत है। और अगर आप किताबी कीड़ा है, सुबह से शाम तक पढ़ते रहते हैं या अपने मोबाइल पर ही समय देते हैं, मोबाइल की गेम्स में ही समय देते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम, ये आजकल की समय की एक नई आवश्यकता बोल लीजिए, क्योंकि मोबाइल साथ ना हो तो नींद भी नहीं आती। और सुबह उठते तो मेरे ख्याल में अगर आपकी धर्मपत्नी उसकी तरफ देखने से पहले आप मोबाइल को देखते हो, बच्चों को देखने से पहले मोबाइल को देखते हो कि मोबाइल में कौन सा कोई मैसेज तो नहीं आ गया रात को। तो ये जैसे जैसे समय बदल रहा है, तकनीकी बदल रही है, वैसे वैसे जरूरतें आवश्यकताएं बढ़ती रही हैं, उसकी भी आवश्यकता है, लेकिन हर समय उसकी आवश्यकता नहीं है। अब मैंने स्विच ऑफ कर दिया हुआ सारा दिन में रास्ते में बात कर रहा रिस्पॉन्ड कर लिया, जो भी आएंगे उनको बाद में जब समय मिलेगा तो रिस्पॉन्ड कर लेंगे और नहीं मिलेगा तो कल कर लेंगे, कोई आवश्यक होगा तो उसकी जानकारी हासिल करके उसका जो है वो जो आवश्यक जरूरी सूचना या काम है उसमें हम इंटरवीन करके उसका सहयोग करने की कोशिश करें। तो ये जीवन को आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है और मैं ये समझता हूँ जब एक स्वस्थ समाज होगा तो स्वस्थ देश का निर्माण होगा, स्वस्थ समाज होगा तो एक स्वस्थ सोच का निर्माण होगा। और आप जानते हैं आप भविष्य है कल के, आज खिलाड़ी के रूप में है कल आप देश का भविष्य है, नौजवान देश का भविष्य है। हमारा देश जो है एक नौजवान देश है, नवयुग देश है, जिसमें 65% पॉपुलेशन जो है बिलो 35 के बीच में है। इसलिए देश को जब आगे बढ़ना है, दुनिया की ताकत बनना है, तो आवश्यक है इस देश के समाज को और परिपक्व होने की आवश्यकता है। और उस दृष्टि से नौजवान बच्चे अपनी जिम्मेवारियों का एहसास करें, देश के मुद्दों समाज के मुद्दों के ऊपर गंभीरता से विचार विमर्श करें। उसी परिप्रेक्ष्य में हमने बाल विधानसभा का भी आयोजन किया है। हम देश को ये बताना चाह रहे हैं, प्रदेश को ये बताना चाह रहे हैं कि ये बच्चे अगर इनकी सरकार होगी तो इनके मुद्दे क्या होंगे और ये क्या सोचते हैं, क्योंकि ये तो वोटर है नहीं और उस दृष्टि से ना कोई राजनेता मिलता है। तो इसलिए वोटर ना होने के बावजूद, देश के एक अहम हिस्सा होने के बावजूद, जो इनकी जरूरतें आवश्यकताएं हैं, जो ये सोचते हैं, वो आवाज भी बननी चाहिए और आवाज बनकर जो है प्रदेश के लिए देश के लिए आगे बढ़नी चाहिए। मुझे खुशी है हम 12 तारीख में देश में ये दूसरी विधानसभा होगी, हमने जहां बाल विधानसभा बाल सत्र का आयोजन किया है और हिमाचल प्रदेश में 68 बच्चे देश भर से उसमें हिस्सा लेंगे। अब तो उनका चयन हो गया, चंबा जिला से भी 4 बच्चे जो है उसमें हिस्सा ले रहे हैं और हिमाचल प्रदेश से ज़्यादा हैं, अन्य राज्यों से 9-10 के करीब हैं। और हम बैठेंगे, सुनेंगे, आप देखेंगे, उसका लाइव प्रसारण होगा, आप ऑनलाइन उसको सुन सकते हैं। मैंने तो अभी कुछ सेशन बच्चों के साथ अटेंड किए और मैं हैरान था जो परिपक्वता बच्चों के विचारों में, देश के प्रति, समाज के प्रति, हमारे विभिन्न विभागों के प्रति, हमारी कार्यप्रणाली के प्रति थी। मैं हैरान था और मुझे प्रसन्नता भी हुई
कि अगर हमारा बच्चा आज ये सोचने लगा है, हम निश्चित तौर पर देश जो है दुनिया में एक बहुत बड़ी ताकत बन जाएगा। मैं जानता हूं हमारा बचपन भी हमने देखा है और हमारा अवेयरनेस लेवल आज के इन बच्चों का अवेयरनेस लेवल उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो आपको बधाई है, मैं अधिक समय नहीं लूंगा और मेरी शुभकामनाएं हैं ये खेल आगे बढ़े। एसोसिएशन को जो यथासंभव जो सहयोग की आवश्यकता होगी, यहाँ बात तो कोई हुई नहीं है, अलग से बात कर लेंगे। अगर जो भी किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल और किसी भी प्रकार की जो आपको सहायता की आवश्यकता होगी एसोसिएशन की, एसोसिएशन को वो मेरी ओर से मिलेगी, ऐसा विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद से आपके सभी सहयोगियों का मैं विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा, आयोजकों का कि आप सब ने मुझे समय दिया और मुझे यहाँ आने का मौका मिला, आपसे बातचीत करने का मौका मिला। और मुझे विश्वास है कि दो दिन मेरे ख्याल 2 तारीख को शुरू हुई, 3 को आज इसका समापन है। 2 दिनों में आपने चंबा की सुंदरता, चंबा के वातावरण को जरूर जो है आपको अच्छा लगा होगा, ऐसा मुझे महसूस होता है। एक बार फिर चंबा के जो है शांतिप्रिय शुद्ध वातावरण में इस खेल का आयोजन हुआ। मैं तो आज गाड़ी का शीशा बोल रहा था, मैंने कहा ये फ्रेश एयर लो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस एसी एयर। तो हिमाचल प्रदेश का वातावरण स्वच्छ है, बढ़िया है और हम हिमाचल के लोगों को आगे बढ़ना है और बढ़ेंगे। अभी तो ये जो आयोजन हो रहा है इसके माध्यम से मुझे उस संस्था ने जानकारी दी कि आपके बच्चे जो है अभी हमने सेलेक्ट किए हैं, लेकिन हम जानते हैं कि 200 के करीब जो बच्चे हम सेलेक्ट नहीं कर पाए वो भी उनका भी परफॉर्मेंस लेवल जो है कोई कम नहीं था। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ता हुआ प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जो है प्रयासरत है, कोशिश कर रहे हैं हम सब मिलकर कि चाहे वो खेलों की बात हो या खेलों के माध्यम से रोजगार पैदा करने की बात हो, उसमें हर प्रकार से सरकार के सहयोग जो है वो मिले और हर क्षेत्र के लिए मिले। मैं अधिक समय न लेकर, क्योंकि खेल खिलाड़ियों के आयोजनों में आज तो बहुत सारी बातें देखने को मिल रही है जिसका जिक्र मैं मंच के माध्यम से नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं अपनी ओर से और सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि प्रदेश सरकार, प्रदेश का ये खेल विभाग जिसके हमारे मंत्री भी युवा हैं, उनके माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। स्टेडियम्स, ये सारे खेलों के आयोजनों को अच्छे तरीके से आने वाले समय में जोड़ेंगे। आप सबका एक बार फिर से आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय चंबा। सबका ध्यान इस गाथा के साथ साथ इसकी थ्योरी की तरफ से थोड़ा सा आकर्षित करना चाहूँगा। गाथा एक अज्ञात शत्रु से, एक काल्पनिक शत्रु से लड़ने की कला है जिससे मन और शरीर दोनों में लयबद्धता आती है, फ्लेक्सिबिलिटी, हार्डनेस, कंडीशनिंग सब कुछ गाथा में सम्मिलित होता है। ऐसी मान्यता है कि एक गाथा करने पर 5 किलोमीटर आप दौड़ के आए और एक गाथा परफॉर्म करेंगे आपका एंडोरेंस उतना ही ज़्यादा बूस्टअप हो जाता है। दामन जम्बाल जी, जो कि वर्ल्ड कराटे फेडरेशन से हिमाचल प्रदेश के इकलौते एकमात्र सर्टिफाइड कोच हैं वर्ल्ड कराटे फेडरेशन से, जो हम सब के समक्ष काता प्रस्तुत कर रहे हैं। काता का हर एक एक मूवमेंट, हर एक एक अनन्या पटेल जी जिला बिलासपुर से संबंधित हैं और स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट हैं और 3 बार ये नेशनल, हिमाचल प्रदेश को नेशनल में रिप्रेजेंट कर चुकी हैं।
जो गाता अनन्या पटेल जी परफॉर्म कर रही है, बहुत ही डिफिकल्ट और वर्ल्ड लेवल का गाता है। अपने आप में ही एक साधना है, तन और मन को साधने का ये बहुत अच्छा एक साधन है। जिला अध्यक्ष महोदय ने बताया कि कराटे का इस्तेमाल वन हिट वन डेड के लिए पहले किया जाता था आत्मरक्षा के लिए, धीरे धीरे ये खेलों जो कि उनको समय समय पे उनके पॉइंट्स झंडा उठा के बताएंगे। किया जा रहा है, उन्होंने एक पंच कर एक पॉइंट हासिल किया। महोदय जितने भी यहाँ पे रेफरी जज बैठे हैं वो सब क्वालिफाइड हैं, समय समय पर एसोसिएशन द्वारा एग्जाम कंडक्ट होते हैं और वहाँ पे जजेस और रेफरीज का चयन होता है। इस वक्त जहाँ पे बाउट हो रही है उस एरिया को ततामी कहा जाता है और ततामी में जो सीनियर मोस्ट रेफरी हैं मनोज पटियाल जी, जिला बिलासपुर से संबंधित हैं और पिछले कई वर्षों से क्वालिफाइड रेफरी के पद पर आसीन हैं।
ब्लू कॉर्नर जिनको जापानीज में आओ कहा जाता है, उन्होंने फेस पंच कर एक अंक हासिल किया। आता लीड कर रहे थे स्कोर में और आता को रैंकिंग और अजय भारद्वाज इसके बाद रेडी रहेंगे मधु कांगड़ा आका रजनी ठाकुर आओ जयचंद मंडी से जो कोच हैं अपनी जगह पर चले जाए और बिलासपुर से जो कोच हैं वो भी अपनी जगह पर चले जाए। जिला कुल्लू के प्लेयर द्वारा कैसे एक लड़की अपना आत्मरक्षा कराटे के माध्यम से कर रही है वो डेमोंस्ट्रेशन सबके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। कैसे विपरीत परिस्थितियों में एक महिला एक हमारी बेटी अपने आप को कैसे सुरक्षित कर सकती है उसका एक छोटा सा छोटी सी पेशकश है। दो युवाओं के साथ अकेले निपटने की क्षमता कराटे के माध्यम से ही कराटे की इस महान कला के माध्यम से अकेले निहत्थे एक बेटी ने अपने प्रतिद्वंदियों को डिफीट किया। ये कॉन्फिडेंस कराटे के माध्यम से बहुत ही जबरदस्त डेमो कांग्रेस मामले से हमारा निवेदन है यार तो वो कराटे संघ की तरफ से जो कैश प्राइज 5,000 रुपये का चेक हम उन्हें देना चाहते हैं वो आप अपने हाथों से रिश्तेदारी को प्रदान करने की कृपा करें। ये अंकुल भारद्वाज है जिला कांगड़ा से है जिन्होंने जोगन नेशनल 2022 का डेमो जो हुआ था माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय अंकित भारद्वाज को हमारे सभी तरफ से चेक हुआ लेकर सम्मानित करते हुए श्रीमान ममता ठाकुर चम्मा 2022 का जो मैडम ने गोल्ड मेडल हासिल किया है इनका जम्मा के लिए इस बार नीलमणि अभी वो तैयार हैं। वो जब 22 की दिल्ली में हुआ था उसमें हमारे प्रदेश के लिए प्रदेश प्रतियोगिता में प्रदेश का नेतृत्व किया था और इन्होंने इंटर जोनल जो नेशनल हुआ था 2022 में उसने ब्रॉन्ज मेडल हमारे प्रदेश के लिए हासिल किया था। इसके बाद दामन जम्वाल महोदय कांगड़ा से हैं और हमारे प्रदेश कराटे संघ के महासचिव भी हैं। हमारे प्रदेश के एकमात्र ऐसे कोच हैं जिनको विश्व कराटे संगठन WKF वर्ल्ड कराटे फेडरेशन से मान्यता प्राप्त है। आप सभी आ जाओ मीटर के लिए और किसी भी कार्यक्रम के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है
आपका ये आयोजन हुआ, स्वाभाविक रूप से इसमें आप सब ने मिलकर और एसोसिएशन के माध्यम से मैं भी धन्यवाद माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय आप भी जो आर्थिक रूप से हमें हमारी कुर्सी रख लेना बड़ा छे सौ का हजार तक चाहिए Thank you.
उसके बाद है महेंद्र मेहता चंबा, आकांत मुकेश ठाकुर मंडिया, रोहित
कार्तिक के साथ क्रिकेट खिलाना है।